Hey guys, good morning and welcome back to my new vlog। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह दिखाने के लिए आपको, जिसका नाम तो मैं वहीं जाके आपको बताऊंगा, पर इतना हिंट दे सकता हूँ कि वो दिल्ली का सबसे एक्सपेंसिव मॉल है। अगर आप गूगल पे भी चेक करोगे वहाँ पर भी यही बताते हैं कि दिल्ली का मोस्ट एक्सपेंसिव मॉल वही है। तो चलते हैं। और हाँ, इतना आपको हिंट दे देता हूँ, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा वसंत विहार, पिंक लाइन पे, पिंक नहीं मजेंटा लाइन पे। तो चलते हैं वसंत विहार और वहीं पहुंच के बताता हूँ आपको कि कौन से मॉल में जा रहा हूँ। यहाँ पर डियोर, लुई विटों, गुच्ची जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स मिलेंगे आपको। क्या मस्त फाउंटेन है ना, ऐसे जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं कितने खाली खाली पड़े हैं ना, पर एक एक चीज का प्राइस इनका लाखों में होता है। तो इस वजह से इस मॉल को कहते हैं एक्सपेंसिव मॉल ऑफ दिल्ली। जिम्मी चू और माइकल कॉर्स, गुच्ची, ये सब सारे ब्रांड हैं यहाँ। ये देखो कितना प्रीमियम है, एक बार ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखो आप, लग रहा है किसी फाइव स्टार होटल से कम। ये गुच्ची का ब्रांड इधर। काफी ऐसे ऐसे ब्रांड हैं जिसके नाम भी नहीं सुन रखे, पहली बार देख रहा हूँ। पर इधर आके अगर मैं सच में बोलूँ ना, तो मॉल वाली वाइब भी नहीं आ रही बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है किसी फैंसी से रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, होटल में आ चुके हैं। क्या मस्त है यार, मतलब कोई भी एक्सपेंसिव ब्रांड सोच लो आप यहाँ पर होगा। रोलेक्स वगैरह सब है इधर। बताऊँ भी है सामने बबरी उस साइड है। मतलब पहली बार देख रहा हूँ कि एक ही मॉल में इतने सारे बड़े बड़े ब्रांड, जैसे बॉस भी है सब। वॉशरूम देखो इनके आप, मैं बड़े से बड़ा फाइव स्टार विजिट कर रखा है दुबई में भी, पर ऐसा तो नहीं है वहाँ पर भी। वहाँ पे जब मैं व्लॉग बना रहा था पहले तो किसी ने कुछ नहीं बोला, बाद में फिर वो कहते कि शूटिंग अंदर अलाउ नहीं है। मैं बोला चलो ठीक है। तो अपन बाहर आ चुके हैं वहाँ से, और ये तो है हमारे आउट ऑफ बजट वाला मॉल। अब चलते हैं थोड़ा अपने बजट वाले मॉल में घूमते हैं भाई। यहाँ पर आके ना ऐसे गरीब गरीब सा फील होता है कि यार इतने ब्रांड्स का, मतलब हम पता ही नहीं था काफ़ी ब्रांड्स का। तो अपने लेवल वाले मॉल में चलते हैं यार, यहाँ पर आके तो डिप्रेशन सा हो गया। यहाँ के ब्रांड्स तो लगभग सारी अफोर्ड कर सकते हैं, पर वहाँ वाले ब्रांड्स तो भाई साहब मुश्किल ही है अफोर्ड करना। एक एक शर्ट ही 50-60 हज़ार, 60-65 हज़ार की आती है। यहाँ वाले तो चलो अपने बजट में है ही है, अपन देसी लोग हैं भाई। वो वाले ब्रांड्स ना लगभग मोस्टली वही लोग परचेज कर सकते होंगे जिनका बिजनेस, मतलब वो भी हाई एंड चल रहा है, यानी लो लेवल बिजनेस भी एकदम हाई एंड चल रहा है। क्योंकि सैलरीड इंसान ना कभी ऐसा फजूल खर्चा नहीं करेगा। बिजनेसमैन के पास चलो तो आते ही हैं पैसे, इतने तगड़े मोटे पैसे आते हैं, पर सैलरीड मैन कम करेगा। इसके पास एक साथ मोटा पैसा आता है ना, वो जाता होगा ऐसी जगह पे, या उनकी पत्नियाँ। हम लोग तो जितना भी पैसा कमा ले, जितना भी अगर अफोर्ड भी करने लग देंगे ना, पर हम अपने किसी लोन्स को या घर वालों को बताएंगे ना हमने इतनी महंगी शर्ट ली है, सभी बोलेंगे कि फालतू का खर्चा क्यों कर दिया। क्योंकि जो बिल्कुल ज़मीन से उठ के शुरुआत से मेहनत करके पहुँचेगा ना, वो कभी इतना खर्चा नहीं करेगा। इसकी आपको स्टैंडिंग होगी ना, वो तो चलो बात ही अलग है। तो ये अपने बजट वाला मॉल है। तो सो गाइस, घर तो मैं आ चुका हूँ और अब फटाफट से कपड़े चेंज करता हूँ, रेस्ट करता हूँ और अपन लोग शाम को, क्योंकि कल मौसम बहुत बढ़िया था, आज पूरी धूप निकली हुई है तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है पूरी।
थोड़ा रेस्ट करता हूँ फिर मिलता हूँ आपको। वॉक करने आने के लिए थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि घर आके मैं सो गया था तो ध्यान ही नहीं था। फिर जब उठा तब भी फ़ोन चला रहा था, जब थोड़ा सा बाहर दे रहा हूँ तो रियलाइज हुआ यार वॉक भी करनी है, अभी भी करनी है, फिर खाना खाने के बाद भी करनी है, तो जाके 20,000 खुले हो। अगर अभी की मिस हो जाती ना रात वाले में फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती क्योंकि नहीं हो पाता भाई एक बारी में 8-10 हज़ार स्टेप्स, 3-4 हज़ार तो फिर भी कर ही लेते हैं। तो अपन आ गया वॉक करने के लिए, और वो जो सैलून दिख रहा है ना दिख रहा है जहाँ से मैं अपनी कटिंग और ग्रूमिंग वगैरह करवाता हूँ, पहले ये इस कॉर्नर पे था अब यहाँ चला गया। कई स्टाफ तो यहाँ का इतना बढ़िया ना भाई, इतना मतलब तसल्ली से कटिंग करते हैं ना, और पैसे कितने हैं 250 रुपये कटिंग और बियर्ड के, इतना मस्त करते हैं मज़ा आता है और बढ़िया भी है सैलून, तो यहीं से करा लेता हूँ। तो गाइस अब मैं 20,000 स्टेप्स तो पूरे करके मैं घर आ चुका हूँ, और यहाँ पर देखो रात के टाइम भी कितना शोर मस्त है गाड़ियों का, क्योंकि मोस्टली लोग काम करके रात को ही आते हैं ना। तो मैं अपने स्टेप्स वगैरह पूरे करके तो आ चुका हूँ, बैठता हूँ व्लॉग का एडिट करने के लिए। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। जल्दी मिलते हैं व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।